अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सम टाइम ये होता है कि आपको टिक 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 की आवाज़ भी आती है लेकिन आपका गीज़र फिर भी ऑन नहीं होता, गैस भी आ रही होती है फिर भी गीज़र ऑन नहीं होता। उसमें एक फॉल्ट बहुत कॉमन है। जैसे लाइक आपका ये इग्नेटर है, यहाँ से ये खुलता है, इस तरह खुलेगा, ये अलहदा पत्री अलहदा कर लें, ये आपके पास इसका एक इग्निटर आ गया। वक्त के साथ साथ इसकी ये वायर्स ख़राब हो जाती हैं, तो ये इस जगह से स्पार्क करना शुरू हो जाता है, यहाँ की बजाय इस जगह से स्पार्क होता है। और ये जब बॉडी के साथ लगा होता है तो ये यहाँ से स्पार्किंग देने की बजाय बॉडी के इस जगह से स्पार्क करता है, और समटाइम धमाके से भी ऑन होता है फिर गीज़र, और समटाइम गीज़र ऑन होता ही नहीं है। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है कि इस वायर्स को अच्छी तरह इसके साथ कस देना है, काफ़ी आगे तक इसको दबा देना है ताकि यहां से स्पार्किंग की गुंजाइश ना रहे। और नाज़रीन, एक और बात बता दूं कि जब आप ये चीज नई लगाते हैं, पावर बॉक्स नया लेके आते हैं मार्केट से और नया यहां पे इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, तो इसके ये टिप्स को इसकी एग्जैक्ट जितनी नजदीक हो सके उतनी नजदीकी पे रख के तो आपने इसको कसना है। बिल्कुल साथ भी नहीं टच होना चाहिए और थोड़ा फासला भी रहना चाहिए ताकि इसकी स्पार्किंग जो है वो स्पार्किंग की स्पेस ज़्यादा ना हो, जल्दी से स्पार्क होना शुरू हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।